अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसपोर्टेशन का सबसे तेज साधन क्या है, तो आप कहेंगे बुलेट ट्रेन या हवाई जहाज। पर शायद आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि आज जिस साधन की हम बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन और हवाई जहाज उसके आसपास भी नहीं है। जी हाँ, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज स्पीड से चलने वाले इस व्हीकल की स्पीड किसी एयरप्लेन और सबसे फास्टेस्ट कार बुगाटी वेरोन से भी 3 गुना ज्यादा है। ये कोई आम व्हीकल नहीं, बल्कि टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क की सोच का कमाल है, जिसका नाम है हाइपरलूप, जो ट्रांसपोर्टेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार है। दुबई में जल्दी ही बनने वाली इस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी ट्रेन से दुबई और अबू धाबी के बीच की 90 मिनट की दूरी को बस 12 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। ये कोई आम टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये मॉडर्न दुबई का एक नया प्रोजेक्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी क्रांति होगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो जानते हैं आज के वीडियो में दुबई की 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा स्पीड से चलने वाली हाइपरलूप ट्रेन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें, और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या भारत में भी आ सकती है ये हाइपरलूप ट्रेन। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अपनी रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीड और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ही अपने अट्रैक्टिव डिजाइन के लिए जाने जाने वाली ये हाइपरलूप ट्रेन स्पेस एक्स और टेस्ला का ज्वाइंट मिशन है, जिसे बनाने का लक्ष्य था कि यातायात के समय को कम से कम किया जा सके। इसके मॉडल को पहली बार 2019 में दुबई के मोटर शो में दिखाया गया था, जहां पहली बार इसके मॉडल को लोगों के सामने पेश किया गया। तब से लेकर अब तक ये चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां हर कोई इसके बनकर तैयार होने का इंतजार कर रहा है। तब से ही दुनिया के सभी देश इस हाइपरलूप ट्रेन को अपने देश में बनाने की कोशिश में लगे हैं। ये तो हर कोई जानता है कि पूरी दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन के मामले में दुबई और अबू धाबी का कोई मुकाबला नहीं है। इसी परंपरा को कायम रखने के लिए दुबई ही सबसे पहले हाइपरलूप ट्रेन को बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, ताकि आगे भी एडवांस इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में दुबई का बोलबाला बना रहे। शायद यही कारण है कि अबू धाबी इस प्रोजेक्ट में $22 बिलियन लगा रहा है। वैसे तो हाइपरलूप भी एक तरह की ट्रेन ही है, लेकिन ये इतिहास में बनाई गई किसी भी ट्रेन से बहुत अलग और तेज होगी। ट्रांसपोर्टेशन का ये साधन फास्ट ट्रैवल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता दिख रहा है। ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन के मामले में ये ट्रेन नेक्स्ट जनरेशन ड्राइवर फ्री ट्रांसपोर्टेशन के कॉन्सेप्ट पर काम करती है। दिखने में किसी साईफाई मूवी जैसे लगने वाली ये टेक्नोलॉजी हमारे आने वाले फ्यूचर का नया चेहरा होने वाली है। आज के टाइम के हिसाब से दुबई से अबू धाबी जाने में लगभग 90 मिनट लगते हैं, लेकिन हाइपरलूप ट्रेन के बनने के बाद ये टाइम केवल 12 मिनट रह जाएगा। इसलिए इस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए दुनिया भर की सभी कंपनियों में रेस सी लगी है, लेकिन रिचर्ड ब्रेंसन की हाइपरलूप वर्जन 1 कंपनी इस रेस में सबसे आगे है। द हाइपरलूप वर्जन 100% इलेक्ट्रिक होने का दावा करती है। ये फ्यूचरिस्टिक ट्रेन वर्जन 1 एक लूप में काम करती है, जिसमें कैप्सूल जैसे कंपार्टमेंट होते हैं, जिन्हें पॉड कहा जाता है, जहां लोगों के लिए एडवांस सीट होती हैं, जो लोगों को वैक्यूम ट्यूब के अंदर बैठाकर पॉड को हाई स्पीड पर चलाती है। इन वैक्यूम ट्यूब को लूप कहा जाता है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में सारा ट्रांसपोर्ट एक लूप में होता है, इसलिए इस प्रोसेस को हाइपर लूप कहा जाता है। इतना ही नहीं, $22 बिलियन की इस हाइपर लूप ट्रेन में आपको कंफर्ट और लग्जरी की हर चीज मिल जाएगी। साथ ही इसमें इस्तेमाल होने वाले सभी पार्ट और फीचर आपको मॉडर्न और लग्जरी फील देंगे। साथ ही 1 घंटे में 1000 पैसेंजर को यात्रा कराने वाली ये ट्रेन फास्ट और काफी शांत होने के साथ साथ लग्जरियस भी है, जो आज के टाइम में जापान की सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन से भी काफी तेज है। हाइपर लूप का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 2012 में सामने आया, जब टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलोन मस्क ने हाइपर लूप ट्रेन बनाने की बात कही। उन्होंने बताया कि वो एक रिड्यूस प्रेशर ट्यूब बनाना चाहते हैं, जिसमें फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस को कम करके ट्रेन की स्पीड को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया, जिसमें हाइपर लूप टेक्नोलॉजी 1500 किलोमीटर की स्पीड से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। तभी से ये टेक्नोलॉजी लोगों की नजरों में आई, लेकिन शुरू में लोगों के लिए इस टेक्नोलॉजी पर विश्वास करना मुश्किल था। पर जब बात दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क की आती है,
तो उनके लिए किसी भी ऐसे काम को करके दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए इसके बाद उनकी नई कंपनी जिसका नाम द बोरिंग कंपनी है, जिसने इस कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू कर दिया और पहली बार यूएसए में हाइपर लूप टनल को बनाने का काम शुरू किया गया, जो वाशिंगटन डीसी को न्यूयॉर्क सिटी से जोड़ती है, जो दोनों शहरों के बीच के आज के टाइम को 3 घंटे से कम करके केवल आधे घंटे कर देगी। जहां यूएस में एलोन मस्क खुद इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, वही दुबई में इस हाइपर लूप ट्रेन प्रोजेक्ट का काम रिचर्ड ब्रेंसन की कंपनी वर्जन हाइपर लूप 1 कर रही है। भले ही हाइपर लूप टेक्नोलॉजी की शुरुआत एलोन मस्क ने की हो, पर दुनिया के सभी देश इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। जहां बात इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की हो, वहां भारत कहां पीछे रह सकता है। इसलिए हमारे देश भारत ने भी वर्जन हाइपर 1 के साथ काम करने का फैसला किया है, जो अब दुबई और अबू धाबी की तरह ही इस रेस में शामिल हो चुका है। लेकिन हाइपर लूप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। 2018 में अबू धाबी की कंपनी एल्डर ने 150 किलोमीटर वाले इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए वर्जन हाइपर लूप 1 के साथ डील साइन की थी, जिस पर वर्जन हाइपर लूप 1 की टेस्ट फैसिलिटी में इस पर काम भी चल रहा है। जहां इसकी टेस्टिंग की जाती है, वहीं टेस्ट के दौरान वैक्यूम ट्यूब को 370 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर मूव कराया जाता है। वैसे तो अभी के लिए इस हाइपर लूप 1 की हाई स्पीड 700 किलोमीटर प्रति घंटे तक है, जिसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है, जिसके लिए दुबई को 20 किलोमीटर के एडिशनल ट्रैक की भी जरूरत पड़ेगी, ताकि इसकी और भी टेस्टिंग की जा सके। इसके साथ ही हाइपर लूप 1 की सीट को जर्मनी की कार कंपनी BMW ने बनाया है। इस ट्रेन में लोगों को हमेशा सीट बेल्ट लगाने की जरूरत पड़ती है। इतनी स्पीड पर चलने के लिए ट्रेन में एक भी खिड़की नहीं है, बल्कि इससे अलग खिड़की की जगह एक इंफोटेनमेंट और एंटरटेनमेंट स्क्रीन लगाई जाएगी, ताकि लोगों का सफर और भी मजेदार हो सके। इस प्रोजेक्ट को लोकल कम्युनिटी के लिए बनाया जा रहा है, जिससे रोड का ट्रैफिक कुछ हद तक कम हो सके और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। इससे शहरों के बीच का ट्रैवल टाइम तो कम होगा ही, साथ ही दुबई की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। साथ ही हाइपर लूप टेक्नोलॉजी हर एक स्टेशन के बाद अपनी स्पीड बढ़ाती जाएगी। इस टेक्नोलॉजी में ट्यूब के अंदर की सारी हवा को निकाला जाता है, जिससे कम फ्रिक्शन और लो एयर प्रेशर के कारण ये ट्रेन 700 किलोमीटर की स्पीड से चल सकेगी, जबकि पॉड के अंदर खुद की एयर सप्लाई होगी। ये टेक्नोलॉजी दुबई को इकोनॉमिक बूस्ट तो देगी, साथ ही इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि यहाँ के लोगों के लिए और ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे दुबई को कई गुना प्रॉफिट होगा और छोटे छोटे स्टार्टअप को भी काफी मदद मिलेगी। यही कारण है कि दुबई को इस प्रोजेक्ट से काफी उम्मीदें हैं। इसके शुरुआती समय में दुबई के बुर्ज खलीफा और अबू धाबी के इतिहाद टावर को इसके मेन स्टेशन के रूप में चुना गया है। इन स्टेशनों को पोर्टल का नाम दिया गया है, जहां से यात्री लूप टनल के अंदर से यात्रा कर सकेंगे। इसके मेकर का मानना है कि इस पर खर्च होने वाला पैसा 20 से 30 साल के अंदर ही टिकट के जरिए वापस कमाया जा सकता है और इसके बाद होने वाला प्रॉफिट कई गुना तक बढ़ जाएगा। वैसे तो अभी इसके टिकट के प्राइस को रिवील नहीं किया गया है, पर अगर आपको लगता है कि इसका टिकट बहुत महंगा होने वाला है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये किसी बुलेट ट्रेन या हवाई जहाज की कीमत के बराबर होगा या फिर उससे भी सस्ता हो सकता है। इस प्रोजेक्ट को देख के लगता है कि ये आने वाले फ्यूचर की तरफ बड़ा कदम साबित हो सकता है, जो आने वाले समय में मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। अगर ये हाइपर लूप टेक्नोलॉजी दुबई में कामयाब रहती है, तो हो सकता है आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी आपको कई और देशों में भी वैक्यूम ट्यूब पर दौड़ती हुई देखने को मिल जाए, जिसमें एक नाम हमारे देश भारत का भी हो सकता है। इस हाइपर लूप टेक्नोलॉजी के बारे में आपकी क्या राय है, और क्या आपको भी लगता है कि दुबई के बाद ये भारत में भी देखने को मिलेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।